आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस कैलकुलेशन। हमने लास्ट टाइम में आपके साथ बातचीत किया था, वो किया था कैलकुलेशन जिसमें हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया था। अब हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस फॉर्मूला जो जरूरत है और जिसकी जिसकी कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन में। ये हम परसेंटेज की किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे 500 का 20% चाहिए, तो 20% 20% का सिंबल है तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 500 का मुझे 20% चाहिए 20 नंबर फॉर्मेट में होता है, तो एक्सेल में क्या है कि 1 = होता है 100%। ध्यान रखिएगा 1 = क्या होता है, 100% होता है। तो अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट गड़बड़ आएगा, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 20 एंड डिवाइड बाई 100 करेंगे तो रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से मान लीजिए 600 का पेपर था और 755 नंबर आया मुझे, सॉरी 700% ज़्यादा हो गया ना, 555, तो कितना परसेंट आया, तो जो आया है उसको डिवाइड करेंगे किससे, जिसमें से आया है, एंटर प्रेस कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद हम परसेंटेज का सिंबल डाल देंगे, ये आपको 93% आ गया। क्या आ गया, 93% आ गया, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मुझे 93 इस तरह से नहीं नंबर में चाहिए तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन एक और आता है कि मान लीजिए कि 100 रुपए की एमआरपी का कोई प्रोडक्ट है जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, 18% जीएसटी इंक्लूड है, मुझे इसका प्राइस विदाउट जीएसटी चाहिए, विदाउट जीएसटी क्या प्राइस होगा, तो कुछ लोग क्या करेंगे, ये 100 में से 18% का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए जो 100 है वो 18% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आप 18% का भी 18% निकाल रहे हैं, तो यहां हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.18 या 118%, किसे, 118%, नहीं डिवाइड करना, माफ कीजिए गलत दे दिया हमने, डिवाइड करना है, ये 84 आ जाएगा। अब चेक करना चाहते हैं, इसका 18% निकालिए और इन दोनों का आपस में जोड़िए तो आपका 100 आएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि आपका जो है 600 रुपए का कोई प्राइस था, बोलिए जी सर, ये जो थोड़ा सवाल समझाना है, ये वाला कौन सा, ये टॉपिक अभी लास्ट टॉपिक जो वाला, आपको क्या बोला कि एमआरपी का 100 का है उसमें 18% जीएसटी लगा हुआ है, तो जीएसटी हटा के क्या प्राइस होगा इसका। मान लीजिए ना कि आपको एक लैपटॉप मिला, लैपटॉप में बोला गया कि भाई आपका 20,000 का लैपटॉप है आप ले लीजिए, आप अपने कंपनी के नाम पे लेना चाहते हैं तो 20,000 में वो ऑलरेडी मान लीजिए 18% जीएसटी लगा रखा है, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा जीएसटी को क्लेम करने में, तो 20,000 का 18% नहीं ना लिखा लेंगे कि 20,000 में 18% इंक्लूडेड है ना, ऐसे केस में हमें जितना है ना उसमें 100 जोड़ के डिवाइड कर दीजिए तो उतना जीएसटी निकल के आ जाएगा। समझ गए संजीव जी, समझ में है कि नहीं, ओके सर, ओके। चलिए अब मान लीजिए कि 600 रुपए का एक हमारा कोई सामान बिकता था, बॉस ने बोला कि भाई 20% बढ़ा के इसका प्राइस बताओ क्या है, मतलब वो 6% इंक्रीज करना चाहते हैं, तो 6% इंक्रीज अगर करेंगे तो कितना रुपए होगा, तो कुछ लोग इसको इस तरह से करते हैं कि पहले इसका 20% निकालेंगे फिर 600 में जोड़ देंगे, 120 आएगा। या दूसरा तरीका है कि
आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 120%, 120%, या फिर 1.20, क्योंकि एक्सेल में बताया मैंने 1 = 100% होता है, तो रिजल्ट है। तो आप अलग अलग करके जोड़े या इस तरह से निकाले। तो ये थी परसेंटेज कैलकुलेशन। इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राउंड। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर होते हैं वो इस तरह के डेसिमल प्लेसेस में होते हैं, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ ऊपर दिख रहा है, यहाँ से डेसिमल को कम ज्यादा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ विजुअल में होता है, ओरिजिनल में आपका तो यही होगा। बट मुझे ओरिजिनल में यहाँ पे सिर्फ 56.36 चाहिए। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए डेसिमल, तो हम 2 डाल दिया। अगर 0 कर देंगे तो कुछ नहीं आएगा। देखिए 0 कर दूंगा तो डेसिमल हट जाएगा, और 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, तो उतना डेसिमल प्लेसेस आएगा, बाकी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए डेसिमल प्लेसेस यहाँ से बढ़ाते भी है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो राउंड करने के लिए आपका राउंड का फॉर्मूला होता है, राउंड कर सकते। लेकिन अगर मुझे नंबर राउंड करने हुए, तो नंबर राउंड करने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है कोई सामान होलसेल में बेचते हैं 12 रुपये, 12 आपकी जो बॉक्स है उसमें 12 क्वांटिटी होती है, लूज नहीं बेचते। अब कोई कस्टमर आया, बोला कि मुझे 52,364 आपको लेना पड़े, मुझे दीजिए। आप बोलेंगे यार इस तरह से लूज हम नहीं देते, हम बॉक्स में देंगे। वो बोलेगा अगर हम बॉक्स में लेते हैं तो ये बताइए कि 12,364 के आसपास क्या क्वांटिटी होगा। वो बॉक्स नहीं पूछ रहा है, बॉक्स पूछेगा तो क्या करेंगे आप, जस्ट डिवाइड कर दीजिएगा ना यहाँ से, इस तरह से बता दीजिएगा कि भाई 63 आपको 4,463 बॉक्स या 64 बॉक्स लेना होगा। लेकिन वो बात कर रहा है कि मुझे बताइए कि कितना क्वांटिटी होगा इसके आसपास, तो मुझे इस नंबर को 12 के हिसाब से राउंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेलिंग का नंबर लगाएंगे। सेलिंग, सेलिंग मतलब छत ऊपर की तरफ, कॉमा 12 का सेंटीमीटर, तो 52,368 लेना होगा। वो बोला बताओ अगर हम कम भी लेंगे तो कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे डाउन फ्लोर, इसको हमने सेलेक्ट किया और हमने 12 को सेलेक्ट कर लिया, तो आ गया आपको 52,356। या दूसरे भाषा में समझाऊं कि आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम मशीन में गए तो आपको जो है 12,365 रुपये निकाल रहे, जाहिर सी बात है नहीं निकलेगा। मैसेज क्या देगा, प्लीज एंटर द 500 डोमिनेशन। अब मान लीजिए कि आपका एटीएम एक्सेल से चल रहा है और आपको ये सिस्टम देना है कि भाई आप जो है ये अमाउंट तो नहीं निकलेगा, आप मिनिमम या मैक्सिमम इतना निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम इतना निकाल सकते हैं 500 के डोमिनेशन में। तो वो चीज निकालने के लिए ऊपर की, मैंने जो ऊपर की तरफ निकालने के लिए यूज करेंगे सेलिंग का, सेलिंग कॉमा 500, और नीचे के लिए निकालेंगे आप फ्लोर का, फ्लोर 500। तो मतलब कि आप 12,500 निकालिए या फिर 12,000 मैक्सिमम कर दिए ना, मैक्सिमम ये रहा मेरे। तो सेलिंग, फ्लोर और राउंड, तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? सेलिंग सर दोबारा से बता दीजिए। सर सिंपल सा फॉर्मूला है, सेलिंग लगाइए, नंबर डालिए और कितने के हिसाब से राउंड करना हो राउंड कर दीजिए, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और सेम फ्लोर भी है, फ्लोर लगाइए, नंबर दीजिए, अपना 500 डाल दीजिए, फ्लोर जाएगा। फ्लोर हमेशा डाउन में देगा और मैक्सिमम सेलिंग आपका अप में देगा, उससे ज्यादा इसे कम। ठीक है, अब आगे हमारा डेट कैलकुलेशन, हम डेट को कैसे कैलकुलेट करें। चलिए सबसे पहले जानिए कि सिस्टम डेट कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास टुडे का फॉर्मूला, अगर आप चाहते हैं करना रखना मतलब कि लाइव रखना, तो टुडे लगाइएगा, तो हर दिन चेंज होते रहे। लेकिन मुझे टाइप करना है आज का डेट, तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन यूज करें, कंट्रोल
सेमी कॉलन, तो आज का डेट टाइप हो जाएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ए आपका फॉर्मूला लगा है तो चेंज होते रहेगा, और ए मैनुअल है तो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप नाउ का फॉर्मूला लगाते हैं तो नाउ बाउ नाउ क्या हो गया कीबोर्ड में नाउ, तो करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दिखाएगा। और इसी में अगर हम मुझे टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करें तो टाइम आ जाए, तो कंट्रोल सेमीकोलन से डेट, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से टाइम, टुडे फॉर्मूला से करेंट सिस्टम डेट और नाउ फॉर्मूला से करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम। क्लियर है? अब मान लीजिए कि आज का डेट डाला और मुझे 20 दिन के बाद का डेट चाहिए, 20 दिन ऐड करने हैं, तो जस्ट इसके ऊपर प्लस 20 करते हैं। या फिर एक तारीख का डेट डाला है और आज का डेट डाला है, दोनों का बीच में डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करते हैं, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला है हमारे पास डेज का, डेज फॉर्मूले में आप यहाँ सेलेक्ट करें लेटेस्ट डेट एंड ओल्डेस्ट डेट, तो आपको नंबर ऑफ डेज आएगा। तो कोई जोड़ना है तो प्लस कर दीजिए, दोनों घटाना है तो माइनस कर दीजिए, अगर डिफरेंस निकालना है तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। उसी तरह से अगर टाइम है हमारा, जैसे कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस गया और शाम को 7 बजे ऑफिस आया, अब 7 बजे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एम पी एम मैनुअल लगाना होगा, नहीं तो डिफॉल्ट एएम ही पकड़ेगा, बट पीएम है तो स्पेस दीजिएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा, स्पेस दीजिए और पीएम टाइप करके एंटर मारिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका 7 PM ले लेगा। या फिर आप 24 घंटे का 19:00 कीजिए तो आपको एम पी एम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना घंटा हुआ, तो लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम, ये देखिए 9 AM दिखेगा, बट इसके ऊपर आप जो है डेट में ए वाला जो फॉर्मेट है वो ले लीजिएगा तो डिफरेंस निकालेगा, ये तो 37:30:55 है ना, तो एम वगैरह नहीं दिखेगा। लेकिन मान लीजिए ये 9 घंटा जो निकला है ना, ये 9 घंटा टाइम फॉर्मेट में, अगर इसके ऊपर अगर मैं जनरल फॉर्मेट करूँ तो इस तरह से पॉइंट्स में आएगा। ध्यान रखिएगा एक्सेल में 1 = 24 आवर होता है, तो जब भी हम टाइम लिखते हैं तो एक 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 घंटे को इतना तरह से मैंने घंटे को एक को डेसिमल में तोड़ के ऐसा बनाया है कि वो 24 घंटा, 1 जब होगा तो 24 घंटा होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए डेट, वो चाहिए किस में, नंबर 9 में, कुछ इस तरह से 9। अब ऐसा क्यों चाहिए, तो मान लीजिए कि ओवर टाइम है और मुझे हर एक घंटे का 200 रुपये या 300 रुपये या 250 रुपये ऐसा कुछ मिल रहा है, 260 मिल रहा है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 260 से तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मुझे क्या करना है कि मुझे इसको ऐसा चाहिए कि नंबर में हो ताकि मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकूं। तो टाइम को नंबर फॉर्मेट में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाई 24 कर, क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई बाई 24, ये नंबर 9 आ जाए, नंबर 9, और इसको आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डेट एंड टाइम को कैलकुलेट करना आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अगला टॉपिक है टैक्स कैलकुलेशन, मतलब कि कॉन्केट वगैरह कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे सुजीत, इसके आगे लिखा कुमार, मुझे यहाँ दोनों को कंबाइन करना। हालांकि कंबाइन करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले, से कॉन्कैटेनेट है, कॉन्केट है, ऐसे फॉर्मूला है जिसका यूज आप कर सकते हो, लेकिन एक तरीका और भी, जैसे प्लस का सिंबल नंबर को जोड़ता है, ऐसे एन परसेंट का सिंबल टेक्स्ट को जोड़ता है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एन परसेंट लगा, मुझे मान लिया सुजीत कुमार के बीच में स्पेस भी चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दिया, फिर एन परसेंट में हमने कुमार को,
एंटरप्राइज किया सुजीत कुमार विक्की। तो दो सेल वैल्यू, दो या दो से ज्यादा सेल वैल्यू को हम एन परसेंट से कंबाइन मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। एन परसेंट बिल्कुल ग्लू की तरह काम करे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब किसी डेट को ज्वाइन करते हैं, टाइम को ज्वाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एक यहाँ पे डेट लिखा और आज का डेट यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे इनको आपस में ज्वाइन करना है डैश लगा। तो अगर मैं बोले इसको लिया, इसको सेपरेटर में मैंने डैश दिया इन्वर्टेड कॉमा में और हमने इसको सेलेक्ट किया, तो कायदे से डेट के साथ डैश लगाना चाहिए और क्या आएगा 45293, क्योंकि ये डेट दिखता डेट है बट जब इसकी फॉर्मेट जनरल कीजिएगा तो ये नंबर होता है। और आपका फॉर्मूला कोई भी हो, इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट मतलब कि जो जनरल फॉर्मेट है उसी में वर्क करती है, उसके अलावा जो भी फॉर्मेट चूज करते हैं वो सिर्फ विजुअल के लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए नहीं होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ है कि मुझे यहाँ पे तो डेट शो करना है हमें, तो हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्मूला होता है TEXT टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने दिया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में फॉर्मेट दीजिए, जैसे डी डेट के लिए, MMM मंथ के लिए, एन YY ईयर के लिए। तो क्या कर देगा, इस B7 को कन्वर्ट कर देगा DD MMM एन YY के फॉर्मेट। और सेम यहाँ भी टेक्स्ट लगाया, टेक्स्ट के अंदर मैं C7 को दूंगा और यहाँ पे हम करेंगे DD-MMM-YY, एंटर मारिए रिजल्ट है। तो बोले सर ये फॉर्मेट कुछ और दिख रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे वही फॉर्मेट लिया। अगर आपको सेम फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे वही कोड लिखना पड़ेगा DD/MM/YY, चारों बार। अरे इसकी कोडिंग में क्या और क्या क्या कोडिंग हो सकता है, इसके बारे में आगे क्लास में हम कस्टम फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ जाइए कि अगर आपको दो डेट को या दो टाइम को ज्वाइन करना हो तो टेक्स्ट फॉर्मूला से करेंगे, डेट के लिए DD-MM-YY और टाइम के लिए HH-MM-SS, ठीक है। किसी को इस फॉर्मूले में दिक्कत है, चलिए आगे बढ़े। अब हम कुछ छोटे छोटे यूजफुल फॉर्मूला समझते हैं, इसमें तो मोस्टली फॉर्मूला आपको आता ही होगा, फिर भी छोटे छोटे फॉर्मूले को समझते हैं। यहां पे मैं कुछ नंबर लिख रखे हैं, इसी को करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सम, सम फॉर्मूले क्या करता है, नंबर्स को सम करके देता है। ऐसे हमारा एवरेज फॉर्मूला है, एवरेज फॉर्मूला क्या करता है, नंबर का एवरेज निकालता है, सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय काउंट ऑफ द नंबर। ऐसे हमारे पास काउंट का फॉर्मूला है, वो क्या करता है, काउंट को नंबर नंबर को काउंट करता है कि जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है उस एरिया में कितने सेल पे नंबर टाइप है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। किसको काउंट करता है, सिर्फ नंबर को, कितने सेल में नंबर टाइप, ब्लैंक को नहीं करता है। उसी तरह से काउंट ए का भी फॉर्मूला है क्योंकि नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, ये नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करेगा लेकिन ब्लैंक सेल को इग्नोर करेगा। जैसे मान लीजिए देखना है मुझे कि कॉलम जे में या के में कितने सेल में डेटा है, तो काउंट या काउंट ए लगा, काउंट कब लगाएंगे जब नंबर होगा, काउंट ए कब लगाएंगे जब टेक्स्ट होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे मिनिमम फॉर्मूला, मिनिमम फॉर्मूला क्या करता है, ये बताता है कि इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, और मैक्स फॉर्मूला बताता है कि सिलेक्टेड एरिया के अंदर मैक्सिमम फॉर्मूले क्या है। राउंड फॉर्मूला मैंने बताया ही, स्क्वायर रूट फॉर्मूला क्या करता है, ये स्क्वायर रूट निकालता है। 16 है मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर टी 16 दे दिया, हिंदी में हम उसको वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। पावर फॉर्मूला, जैसे मुझे 10 स्क्वायर निकालना हो
तो 10 स्क्वायर के लिए हम दो चीजें लगा सकते हैं। एक तो सिंबल जो मैं लास्ट टाइम बताया था कि 10 स्क्वायर का सिंबल, पावर का सिंबल एंड 2 3 जो भी करना है कर लीजिए। या दूसरा है कि आप पावर का फॉर्मूला लगाए कि पावर नंबर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे टू, ठीक है। तो आता रैन फॉर्मूला। रैन फॉर्मूला रैंडम नंबर देता है लेकिन 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ये देखिए, तभी आपको रैंडम परसेंटेज चाहिए तो आप रैन फॉर्मूला लगा सकते हैं, या रैंडम टाइम चाहिए क्योंकि टाइम भी डेसिमल ही होता है, 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है। इसमें अगर टाइम का फॉर्मेट अगर अप्लाई कर दो तो देखिए 2 बज के m दिखा रहा है, हर बार एक नया टाइम दे। तो रैंडम टाइम या रैंडम परसेंटेज की जरूरत पड़ती है तो इसका हम यूज करते हैं। तो सर रैन बिटवीन फार्मूला, इसका यूज मैं बहुत करता हूँ। ये क्या करता है, जो दो नंबर डालेंगे मिनिमम बॉटम एंड टॉप, उसके बीच का आपको नंबर शो करेगा। और ये नंबर बार बार चेंज भी होगा, कहीं भी डबल क्लिक कीजिए, कुछ टाइप कीजिए तो ये नंबर अपने आप को चेंज कर देगा। फिर मैंने आपको टैक्स का फॉर्मूला बताया, यहाँ पे सेल के अंदर, सॉरी इसके अंदर टैक्स फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। देन हमने यहाँ बात की अपर फॉर्मूला। अपर फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को अपर में कन्वर्ट करता है, सेल वैल्यू के टेक्स्ट को अपर लेटर में कन्वर्ट करता है। और लोअर फॉर्मूला क्या करता है, लोअर में कन्वर्ट करता है। टुडे फॉर्मूला बताया है आपको कि नाउ आपका डेट देता है, नाउ देता है, डेज दो डेट का डिफरेंस देता है, ये बताया आप। अब बात करते हैं रो एंड कॉलम फॉर्मूला। देखिए रो फॉर्मूला में क्या होता है कि मैंने रो फॉर्मूला लगाया और मैंने मान लीजिए इसका सेलेक्ट कर लिया C13 का, तो C13 का रो नंबर 13 है ना, ये 13 शो करेगा। या फिर अगर मान लीजिए कि मैं इसको हटा देता हूँ तो ये आपको 20 देगा, जिस सेल में लगेगा उस सेल का। सेम आपका कॉलन में जिसमें लगाइए उसका कॉलन नंबर, या जिसका रेफरेंस दीजिए उसका कॉलन नंबर आएगा। लास्ट आता है इनडायरेक्ट फॉर्मूला। इसको थोड़ा समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने H1 पे 500 डाला, अब मैं इक्वल H1 लिखूंगा तो 500 को रिकॉग्नाइज कर लेगा और एंटर प्रेस करते ही 500 आ जाएगा क्या सर। लेकिन मैंने H1 यहां लिख दिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको सिलेक्ट करूं और मेरा फॉर्मूला इस पे लिखा हुआ सेल वैल्यू को रिकॉग्नाइज करके उसकी वैल्यू उठा के दे, तो उसके लिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट आगे चलेगी, फॉर्मूला का बहुत यूज है। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है कि जो उसको टेक्स्ट मिलता है उस टेक्स्ट को रेफरेंस, मतलब कि सेल एड्रेस A1B1C1, उसमें कन्वर्ट करके उसका रिजल्ट पॉपुलेट करता है। अब यहां पे मैंने क्या किया हुआ है कि कुछ सारे फॉर्मूले जो मैं बताया, 20 फॉर्मूले जो आज बताए, उन 20 फॉर्मूलों का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि क्या करता है, ठीक है। आप इन 20 फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर लीजिए, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बड़े फॉर्मूले नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद कुछ कैलकुलेशन बताया, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद 3 क्वेश्चन इसके अंदर अवेलेबल है, आपको स्कोर कार्ड बनाना है, कुछ इस तरह का स्कोर कार्ड दिख रहा होगा, ऐसे इससे बेटर स्कोर कार्ड बनाना है आपको। उसके बाद यहाँ भी है ज्वाइन करने का है और ये नंबर है। तो 3 क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन मैं नहीं समझा रहा क्योंकि जो इंटरव्यू देने दे इंटरव्यूअर जो आपको क्वेश्चन देगा थोड़ी समझाएगा, एक बार खुद से समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझेगा तो फिर मैं समझाऊंगा। ये फाइल और आज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ और लास्ट क्लास की भी रिकॉर्डिंग, लास्ट क्लास की भी फाइल आपकी पेंडिंग है। आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज लास्ट क्लास की जो प्रोजेक्ट